दो दिन से हो रही लगातार बारिश से हाहाकार मच गया है। कई पुल डूबने से तकरीबन आधा सैकड़ा गांव का संपर्क टूट चुका है। एक नहर फूटने से कई घर धराशाही हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लिंगा लोहरा पुल, जाम नाला, बालवा नाला और अन्य कई छोटे पुल डूब चुके हैं। ग्राम तिरोही के पास की नहर फूट गई, जिससे आसपास के कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार बालाघाट जिले में अब तक 918 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष सत्र में आंकड़ा 697 था। ग्राम लिंगालोहरा का पुल कल से डूबा हुआ है और यहां के रहवासी अमित कुमार ने बताया कि पुल डूबने की सूचना प्रशासन को दे दी गई थी, फिर भी स्थिति संभालने कोई नहीं आया है। हम लोगों ने ही बैरिकेड्स लगाकर आवागमन बंद कर दिया। इस समय पुल के ऊपर से तकरीबन 2.5 से 3 फीट पानी बह रहा है। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट। क्या नाम है? दीपेश कुमार गौतम। कहाँ रहते? मानेगांव। ये क्या घटना हुई है? यहाँ पर अश्वनी परिवार की लड़की छठी पढ़ती थी, वो यहाँ पर गड्ढे के कारण उसका अनबैलेंस और नाले में गिर गई। अच्छा। इस पुलिया का हमने कई बार एडीएम साहब को, केडी देशमुख साहब को कई बार हमने इसकी सुरेंद्र खोबरागाड़े के साथ हमने कई बार उनको जानकारी दी, पर उन्होंने अभी तक पुल नहीं बनाया। तो ये गड्ढे कारण लड़की मर गई। आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा? हमको गांव में पता चला तो हम सब लोग आए यहां पर, और जब तक स्कूल के बच्चे के द्वारा, और यहां पर लड़की बह चुकी थी। अभी वहां अर्जुन नाला में भी उधर की भी रोड खोद चुके हैं, उधर से भी आवागमन नहीं हो पा रहा है, और ये पाथरवाड़ा से भी आवागमन हो पा रहा है, पर यहां पर पूरा जानलेवा खतरे वाले गड्ढे बने हुए हैं। भाजपा की सरकार के द्वारा निकम्मी सरकार है, जिसने हमने कई वर्षों से इस पुलिया की मांग की, हमने अवगत कराया था सब देशमुख को कि इस पुलिया पे 3-4 जा चुकी है और ये कभी भी हादसा हो सके। आज जो एक बच्ची के साथ जो हादसा हुआ, हम उसकी निंदा करते, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते, भाजपा सरकार मुर्दाबाद।